सो भाई आज हम बात करने वाले हैं डेमोन PS2 प्रो के बारे में कि ये जो डेमोन PS2 प्रो है ये हमें कितनी स्पीड दे सकता है, मतलब कि कितने FPS तक हमें दे सकता है और इसमें हम गेम्स इजीली खेल सकते हैं नहीं खेल सकते और कौन कौन सी गेम्स इसमें खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी यूट्यूब पर वीडियो हैं जिनमें बताया गया है कि ये जो डेमोन PS2 प्रो है इससे बढ़िया कोई एमुलेटर हो नहीं सकता और इसमें हम गेम्स खेल सकते हैं बड़ी इजीली, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि और इसमें कौन कौन सी गेम्स चल सकती हैं और जो गेम्स आप सोच रहे हैं जैसे कि स्मैकडाउन पेन हो गई, अर्बन हिंस हो गई, वो गेम हम इनमें इजीली रन कर सकते हैं या नहीं। सो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सो इस पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। सो दोस्तों मैंने डेमोन PS2 प्रो को टेस्ट किया था और मैंने कुछ गेम्स भी टेस्ट की थी, तो मैं उनका आपको अभी गेम प्ले दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेरी क्या राय है डेमोन PS2 प्रो के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख ही लिया कि मैंने जो डेमोन PS2 रन किया था, जो मैंने सबसे पहले गेम चलाई थी वो थी स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन। तो स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन में मुझे कुछ इतनी खास FPS नहीं मिली। अगर मैं आपको बताऊं कि उसमें आप गेम खेलना चाहते हैं स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन डेमोन PS2 प्रो में, तो आप नहीं खेल पाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था उसे गेम खेलने के समय, तो वो था वीवो V3 जिसकी रैम थी 3 GB एंड उसकी जो रोम थी वो थी 32 GB। सो आप उसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो हर एक रैम का अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे देता हूँ कि अगर आपकी 6 GB रैम भी है तो भी आप उसे स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। और जो मैंने दूसरी गेम रन की थी वो थी अर्बन रिंग्स, सो वो भी इतनी स्मूथली क्या वो स्मूथली रन कर ही नहीं रही थी, ठीक है। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं उसकी जो डेमोन PS2 प्रो की जो इमेज है वो डाउन करने में लगा हुआ हूँ, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ इसके अच्छे से पॉइंट जो मुझे अच्छे लगे। तो आपने सुना होगा जो एक प्ले एप्लीकेशन थी जो PS2 की गेम्स कह रहे थे कि उसमें भी चल जाती हैं, ठीक है। सो उनमें कुछ गिनी चुनी गेम्स ही चलती थी, जैसे कि स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन हो गई, उनमें अर्बन रिंग्स नहीं चलती थी एंड उसमें और बहुत सी ऐसी गेम्स थी, गॉड हैंड हो गई नहीं चलती थी, ठीक है। लेकिन ये जो डेमोन PS2 है इसमें हर गेम चलती है PS2 की, जितनी भी मैंने गेम्स टेस्ट की हैं वो सभी ही चलती हैं और मुझे प्ले एप्लीकेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छी इसकी जो कह लो परफॉर्मेंस मिली है। प्ले एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा लोड लेती थी लेकिन इसमें लोड नहीं लेती है एंड इसकी FPS भी ठीक आ रही थी। लेकिन मुझे एक बात इसकी ख़राब लगी, जब मैं स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन को स्टार्ट किया था मैंने, सो जब मैं उसमें मैच खेलने लगा, सो जैसे ही गेम स्टार्ट हुई, ठीक है, सो जैसे कि फाइटिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो गेम है वो क्रैश हो गई और उसके बाद वो गेम नहीं चली। मतलब कि अभी भी डेमोन को कुछ काम करना पड़ेगा अपनी APK के ऊपर। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसको अभी चला लेंगे बड़ी इजीली, सो ऐसा नहीं है, अभी आप नहीं चला पाएंगे। हाँ हो सकता है फ्यूचर में आप चला लें, क्योंकि डेमोन चेंजेस कर रहा है इसमें, ठीक है, डेमोन की अपनी लगी हुई है इसमें चेंजेस करने, लेकिन अभी तो भाई कोई चांस नहीं है, आपको 1 या 2 साल तो रुकना ही पड़ेगा जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखो भाई मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब पर आपको बहुत से लोग बता देंगे कि डेमोन से अच्छा कुछ नहीं है, मैं आपको कह भी रहा हूँ कि डेमोन से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पहला PS2 का एमुलेटर कह लो एंड्रॉयड के लिए है जिसमें सभी PS2 की गेम्स चल रही हैं बड़ी इजीली, नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ी सी लैग होके चल रही हैं, लेकिन चल रही हैं, सभी गेम्स चल रही हैं, ठीक है। सो अच्छा है ये, लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं है इसमें गेम्स चलने की, सो अभी आपको 1 या 1.5 साल तो रुकना ही पड़ेगा। सो
अगर आपको YouTube पे कहता है कि भाई डेमोन को यूज़ करो एंड इसके लिए इतनी रैम होनी चाहिए, कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। कभी ना PS2 पे एक काम करना, PS2 की जो हार्डवेयर होती हैं वो ना तो गूगल पे निकाल के देखना है कि उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि PS2 में क्या क्या बनाया जाता है। अगर PS2 की चीज़ें ना मोबाइल में लगाई जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा आपका मोबाइल, तो आप अपने मोबाइल को जेब में लेके भी नहीं चल पाओगे। सो बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। सो मिलता हूँ आपसे एक और अगली और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय।